प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास जमात चौथी, किताब उर्दू, सानि सबकस नाव इतफाक। यमो कर सवाल नंबर चौर। यह वन दिए हुए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज तलाश करके खाली जगहों को पुर कीजिए। यह दपा कि उस मुनासिब अल्फाज आम खाली जान मन से सो भर लेखन। वो गोडनेथ क्या किसी जमाने में डैश डैश शख्स के डैश डैश बेटे थे। यह अस पोमुत इतफाकस मज तस कस नीचे सत। किसी जमाने में डैश डैश शख्स के डैश डैश बेटे थे। ये लिखित सात एक दो। किसी जमाने में एक यत क्या लिखो तिल एक शख्स के डैश डैश बेटे थे। कज ऐसी तिल अख लिख बे क्या तिल जैसा कि सत सात क्या बचो सात। तिल गो ये किसी जमाने में एक शख्स के सात बेटे थे। पत गो दुम उन में से कोई भी उस डैश डैश को तोड़ न सका। दपा तम मेक नुफर क्या फुटर गठे मकान पत्थर। वो इस तमो गठ उस बनो तम डंडन हूं ठीक। दपा सूख नमो झटित फुटर कह वो तोड़ नहीं सके। उन में से कोई भी उसको तोड़ न सका। किसको गठे को गठे को तोड़ न सका। पर्च त्रेम जब ये गठा डैश डैश हिस्सों में बट गया। दपा ये अत हिस्स कर तो आसानी के साथ डैश डैश गया। दपा ये तत् हिस्स कर कस हिस्स कर यह गो जब ये गठा डैश डैश हिस्सों में बट गया। कितने हिस्सों में सात। उमें शे बई बार ये कितने बाई थे सात तो सात हिस्से भी किए बाद में। तब लिखेंगे इधर सात यानी जब यह गठा सात हिस्सों में बट गया तो आसानी के साथ डैश डैश गया। क्या गया टूट गया या जोड़ गया ना फिर टूट गया। जब सात हिस्से किए अलग अलग तो वो टूट गया बाद में। तब इधर लिखेंगे टूट गया ठीक। देख ये हमने इस तरह किया अब दिए हुए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज तलाश करके खाली जगहों को पूर कीजिए। हमने क्या किया किसी जमाने में डैश डैश यानी एक शख्स के डैश डैश बेटे थे। तो हमने लिखा एक और सात वो बन गया ही किसी जमाने में एक शख्स को सात बेटे थे। ये आया था पहले लिखा था सात एक दो। इसमें क्या जवाब है एक और सात। उसके बाद दूसरा है उनमें से कोई भी उस डैश डैश को तोड़ न सका उस गठे को तोड़ न सका। हमने लिखा गठा न मकान आएगा न पत्थर आएगा। उसके बाद जब यह गठा डैश डैश हिस्सों में बट गया तो आसानी के साथ डैश डैश गया। जब इसको अब कितने हिस्से किए क्योंकि ये सात बेटे थे तो हमने लिखा इधर छः था सात था जोड़ था टूट था। इधर आएगा पहले सात यानी जब यह गठा सात हिस्सों में बट गया तो आसानी के साथ डैश डैश गया। तो फिर वो आसानी के साथ क्या डैश डैश गया टूट गया ठीक। तो यही हुआ एक शख्स में एक जमाने में एक शख्स के साथ बेटे थे। उनमें से कोई भी इस उस गठे को तोड़ न सका। जब ये गठा सात हिस्सों में बट गया तो आसानी के साथ टूट गया। आज हो गया इतना। कल इसका मैं दूसरा सवाल करूँ ये अपनी नोटबुक पर चढ़ाना उठाना।